हाँ जी, ये देखो यहाँ संगम, इस जगह को बोलते हैं संगम। ये जो पुल देख रहे हैं ना, पुल से आगे दो रास्ते पड़ रहे हैं, इसको बोलते संगम। ये यहाँ पर जो श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा है, दो रूट आते हैं यहाँ गुफा के दर्शन के लिए, एक पहलगाम से होकर और एक बालटाल से होकर। तो दोनों रूट यहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं, इसलिए इस जगह का नाम क्या रख दिया, संगम। तो यहाँ क्या कहानी है इसकी कि यहाँ से बालटाल वाले जो खच्चर घोड़े हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और पहलगाम वाले एक तरफ। अभी देखिए, अभी एक्चुअल में पहलगाम और बालटाल दोनों के ही खच्चर घोड़े हैं, पालकी हैं जो भी। इसीलिए देखो आप लाइन देखें, ये संगम से, ये संगम, संगम से शुरू होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। वैसे मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जूम में पिक्सल टूटते हैं, फिर भी आप देख लीजिए, आप समझ आ रहे हैं। ये कोई एडिट नहीं है इसमें, ये सब खच्चर घोड़े और पालकी और इनकी लाइनें हैं, कोई एडिटिंग नहीं है। अभी होगी जहाँ एडिटिंग, मैं आपको बता दूंगा, अभी तो कोई एडिटिंग नहीं है। और ये देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये यहाँ से देखिए, ऐसे जैसे एक सांप चलता है ना, सांप मस्ती पर ऐसे ही। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल हिल टॉप पे है ये, है ना। और ये इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर CRPF हो गया, BSF हो गया, इनकी कंपनियाँ भी हैं। तो ये देखिए ऊपर, मगर सरकार ने यात्रा की सिक्योरिटी के लिए पूरा बंदोबस्त किया। आगे और बताएंगे आपको कहाँ कहाँ क्या है, नहीं इतनी बारीकी से नहीं बताऊंगा। ये सिक्योरिटी, ड्यू टू सिक्योरिटी कैशन। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ओहो डबल रो। हाँ, सॉरी, वो मैंने जो आपको बताया ना, वो पुल, हाँ यो यहाँ जो ये है ना, ये टी पॉइंट, यहाँ अलग होते हैं ये बालटाल और बालटाल वाले और इसके वो लाइन। एक्चुअल में डबल थी ना, मैंने जाने वालों के लिए गलती रखी, ये वो यहाँ अलग होते हैं। यहाँ से मतलब वहाँ पवित्र गुफा के दर्शन करके आते हुए दर्शनार्थियों को जो राइट साइड में टी पॉइंट से ले लेते हैं, वो है बालटाल के लिए मार्ग। और जो सीधा आप देख रहे हैं, सीधे ये जा रहे हैं, ये 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 घूम के पहलगाम चले जाते हैं, है ना। और मेरे को आदत पड़ गई है ना करने की। एक्चुअल में आपने जब यात्रा करनी हो तो देखो बालटाल से होकर ही आए, क्योंकि बालटाल से वो सामने पवित्र गुफा का भी दर्शन देख रही है। एक्चुअल में बालटाल से अगर आप दर्शन करते हैं तो मात्र 14 किलोमीटर, और आप अगर पहलगाम से यात्रा करते हैं तो 42 किलोमीटर। तो आप खुद ही बताइए कि 14 किलोमीटर इज मच कन्वीनियंट और 42 किलोमीटर। और बालटाल के लोग हैं भी बहुत सीधे साधे, ईमानदार, बहुत सीधे। इनको आप जैसे मर्जी बार्गेनिंग करके मोड़ लो, तोड़ लो, मतलब जो चीज़ आपको मेन टाउन में जिस रेट पे मिलती है वही चीज़ आपको इतने दुर्लभ जगह भी मिलेगी। हाँ, वो इनकी ईमानदारी के ऊपर, ईमानदारी का वो है। ये बोलते हैं सेवा, इनको बेशक सेवा का मतलब ना पता हो, सेवा का मतलब ना पता हो, लेकिन ये भाई लोग बोलते हैं चलो सेवा, सेवा ही है। क्या बोलते हैं, चलो सेवा ही है। तो मैं भी इनको, ये अपने कश्मीरी भाई जो यहाँ पर स्टॉल्स लगा रखे हैं और जरूरत का हर सामान मिल जाता है, मैं इनको भी थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि इनका भी पूरा योगदान है हमारा यात्रा को पूर्ण कराने में। जैसे देखिए, ये प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर बॉटल्स, ये नमकीन वगैरह सब क्या रखी थी। और देश के सैनिक यात्रा की सुरक्षा में, हाँ सब, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहूँ, आप आए एक बार यात्रा के लिए, आज दूसरा दिन है, आना है तो जल्दी आए, 10-12-15 मिनट तक बोलो बाबा, फिर अंतर ध्यान हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी पीछे जो थे वो जवान थे CRPF के, यहाँ पर अपने SSB के भाई हैं, मतलब SSB, CRPF, ITBP, BSF, आर्मी, मतलब हारा, तो सब लगे हुए हैं कि यात्रा किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से
पूर्ण हो सके और किसी भी यात्री को किसी तरीके की असुविधा ना हो। और आए, एक बार आए तो हर साल कोशिश करेंगे कि हर साल आए। ऐसा माहौल है, जे एंड के स्टेट बोलेंगे या यूटी बोलेंगे की बात है, उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया है, ये सब मोदी जी की देन है। जो भी है, नारा 370 रखते ही पत्थरबाजी बंद, ये बंद, वो बंद। चलो ठीक है भाई, आज दूसरा दिन था, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, अगर पूरे 62 दिन की आप आगे यात्रा देखना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जैसे मेरी एक वीडियो आपकी कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आए। बाकी इससे ज़्यादा क्या बताना, आप सब समझदार हैं। ठीक है, जय जय भारत, जय भोलेनाथ।